नमस्कार साथियों, मैं पंकज आपकी YouTube चैनल नॉलेज है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग SSC GD के नोटिफिकेशन के बारे में बात करने के लिए स्टूडेंट्स के साथ जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग रोहित से बात करेंगे, जो SSC GD का नोटिफिकेशन आया है। पहले का नोटिफिकेशन में 56,000 समथिंग कुछ वैकेंसी थे, लेकिन अभी जो आया है एक तिहाई घट करके कितना हो गया, 24,369 पोस्ट लगभग है। तो हम लोग जानना चाहेंगे रोहित से कि आप इस वैकेंसी को किस रूप में देखते हैं। सर, इस बार अच्छा से तैयारी करना होगा, वित्तीय वर्ष से ज़्यादा कटअप जाएगा। तो जैसे पहले वाला नोटिफिकेशन में जैसे सीट दिया था, उससे उसने दिया भी नहीं है इस बार, तो मेहनत को दोगुना करना होगा। मेहनत को डबल कर देना है, क्योंकि जो वैकेंसी है बिल्कुल कम है, तो मेहनत को डबल कर देना है क्योंकि कटअप बहुत ज़्यादा जाएगा। और जाहिर सी बात है, इतना कम वैकेंसी में कटअप जाना लाजमी है, बहुत ज़्यादा। और कृष्णा भी कुछ बोलना चाहेंगे आप? पहले जो SSC GD का नोटिफिकेशन आया था, उसमें अराउंड 55,000 प्लस वैकेंसीज था, लेकिन कल ही इन्फॉर्मेशन मिला है हम लोगों को कि वैकेंसी घट के 24,000 के आसपास हो गया है, जिससे मतलब होने का जो संभावना है, सिलेक्शन का संभावना, वो काफ़ी कम हो गया है। और नंबर का जो कट ऑफ है, जो हाईएस्ट नंबर है, वो ज़्यादा जाएगा और उसी में ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहेगा, जिसके वजह से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना होगा। मेहनत तो वैसे भी करना पड़ता है, लेकिन इसमें और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा हम लोगों को, क्योंकि वैकेंसीज कम है, उस हिसाब से कैंडिडेट्स देखें तो बहुत ही ज़्यादा है, और पढ़ाई सभी कोई पढ़ाई करते हैं, इसीलिए बाकी लोग से थोड़ा ज़्यादा करना होगा, उनसे कुछ अलग करना होगा, जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए इसमें। तो कृष्णा जी ने भी बहुत अच्छा बात कहा कि बाकी लोग से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा हमें, क्योंकि इस बार का जो कटअप जाएगा, जिस प्रकार से वैकेंसी कम हुई है, और जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा जाएगा। पहले 56,000 समथिंग वैकेंसी आने वाले का नोटिफिकेशन दिया हुआ था, 56,000 ना समथिंग, वो घट करके कितना हो गया, 24,000 समथिंग कुछ हुआ है। तो बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। और लड़कियों की वैकेंसी मात्र 2600 समथिंग है, कितनी है, 2600 है, बहुत ही दुखद है। थोड़ा वैकेंसी बढ़ना चाहिए था, और खुशी इस बात की है कि बहुत जल्दी इस बार नोटिफिकेशन फिर से निकाल दिया है, मतलब जल्दी जल्दी वैकेंसी निकल रहा है, इसकी खुशी है। लेकिन वैकेंसी कम है, इसका बहुत बड़ा दुख है, स्टूडेंट के चेहरों पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग और भी कुछ बातें रहेंगी तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी प्रकार से, कुछ पढ़ाई को लेके। और एक चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा, हम लोग SSC GD का ऑफलाइन ओपन मॉक टेस्ट कराते हैं, जो कोचिंग से बाहर के भी स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं। जो हम लोग 20 नवंबर को फिर से यहाँ पर करवा रहे हैं, 20 नवंबर को SSC GD का ऑफलाइन मॉक टेस्ट, आप लोग भी आकर इसमें भाग ले सकते हैं। क्योंकि जो विजेता होता है, मतलब फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, जिनका भी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आता है, उनको कोचिंग की तरफ से, नॉलेज हब कोचिंग की तरफ से कैश या चेक के माध्यम से हम लोग उनको इनाम की राशि देते हैं। तो आप लोग भी इस अच्छे मौके को मत चूकिए और ज़रूर इस SSC GD ऑफलाइन मॉक टेस्ट में भाग लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, और कुछ नए बातों के लिए मैं अगले वीडियो में फिर से मिलूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।